तेरानी महाराज की, भारत माता की। सम्मानित मंच, मंच पर विराजमान जिनको आपने सुना, ऐसे हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी, उपनेता आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय भाई गजेंद्र सिंह जी, भाई हनुमान जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, और मंच पे बहुत गणमान्य लोग बैठे, मैं इनका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सब की तरफ से। खूब सारे भाषण हुए होंगे, खूब बातें हुई होंगी, लेकिन आपने गुलाब जी के भाषण का आनंद लिया। मैं समझ सकता हूं, लोग बात पूछते हैं कि गहलोत जी जोड़ तोड़ में जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो ये सरकार कब गिरेगी? आप कहते हो कि जुगाड़ की सरकार है तो कब गिरेगी? आपके चेहरे और आपका जोश देख के मैं कह सकता हूं ये चुनाव सरकार बनाने का तो नहीं है, लेकिन बचेड़ बुलाने का जरूर है। और जब ये तय हुआ कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी हम लोग आरएलपी से गठबंधन करेंगे, और जैसा आदरणीय गुलाब जी ने कहा कि हम गठबंधन के धर्म का पालन करते हैं, हिंदी के एक फिल्म का, पुरानी फिल्म का गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी, सर पे रूसी टोपी लाल, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी जैसा हिंदुस्तानी दिल किसी का हो नहीं सकता। मोदी जी की सरकार में जिस मजबूती से आप नागौर के संसदीय क्षेत्र के किसानों की आवाज उठाते हो, उसको तो मोदी जी ने भी प्रेम किया है, और इसलिए कहा कि भाई अपने तो हनुमान के साथ ही चलना है। इस राजस्थान में कांग्रेस की लंका को कोई आग लगा सकता तो उसके साथ मिलकर हम सब लोग उस कांग्रेस की लंका को निश्चित रूप से आग लगा सकते हैं। अशोक गहलोत जी आए थे, ये चुनाव 75,000 से जिता दोगे तो हनुमान बेनीवाल और सतीश पूनिया की जीत अपने आप ही हो जाएगी, बाकी जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा। मुझे पता लगा कि अशोक गहलोत जी आए थे, आज ही आए, कर्जा तो माफ कर गए होंगे आपका सारा है। सर अब कोई आता तो कुछ देके ही जाता है, हम कुछ देके ही नहीं जाएंगे, लेकिन भाषण तो देके ही जा रहे। और नागौर में मुझे पता लगा कुंवारे भी बहुत है और बेरोजगार भी बहुत है, उनको कुछ देखे गए क्या? नहीं देखे गए। अभी एक दिन अखबार में बड़ा जोरदार किस्सा छपा, एक आदमी लुगाई का झगड़ा हो गया, बेरोजगार नौजवान था, जल्दी शादी हो गई, उस पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अलग हो गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी को तेरे को भरण पोषण देना पड़ेगा 1500 रुपए महीना। वो आदमी अदालत में गया कि साहब बिल्कुल दे दूंगा, मैं तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन दूंगा कब? जब ये अशोक गहलोत जी 3000 मेरे खाते में डालेंगे तो 1500 लुगाई पे दे दूंगा। अब इन्होंने घर तोड़ने वाला काम भी कर रखा है, भत्ता वत्ता कुछ नहीं है। तो किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मुझे लगता है अभी गुलाब जी जिक्र कर रहे थे कि बीएसपी की बैसाखी पे ये सरकार चल रही है, जुगाड़ की सरकार है, और ऐसी सरकार जो झूठ बोल के आई है, झूठ में कैसी कि जिसका सिर पैर नहीं है, सारे किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और कानून का राज मजबूती से लागू करेंगे। हम लोग अभी हनुमान जी मंडावा से आए और मंडावा की सभा में पहुंचे और अखबार हाथ में आए तो पहली खबर यह थी कि एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस बच्ची का बाप थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा था और रास्ते में उस बच्ची के बाप की भी हत्या हो गई। इस सरकार में स्लोगन बदल गया, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, लेकिन इस गहलोत सरकार के राज में कानून का राज ऐसा हो गया कि अपराधियों को तो भरोसा इस सरकार पे है और जनता में भय पैदा हो गया। इस तरीके का ये राज कांग्रेस, इस कांग्रेस पार्टी का। मित्रों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैं हरियाणा से आ रहा था, रोहतक में मीटिंग थी पार्टी की, रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीने उतरे,
एक ताऊ जी बैठे थे, मैंने पूछा हरियाणा में ताऊ सरकार किसकी बनेगी, बोले भाई मोदी की बनेगी। तो मैंने कहा क्यों बनेगी, बोले मोदी ने 370 हटा दिया। तो मैंने पूछा ताऊ जी 370 क्या है, बोले भाई ये पता नहीं मेरे को, लोगों को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बेकार सी बात थी जो मोदी जी ने ठीक कर दी, तो मोदी हरियाणा को भी ठीक कर देगा, राजस्थान को भी ठीक कर देगा और हिंदुस्तान को भी ठीक कर देगा। ऐसा भरोसा किसान का और नौजवान का, और आप सब लोग इसलिए आनंदित हो कि ये मौका मिला। मैं तो यहां से ठीक 315 किलोमीटर दूर चूरू जिले के देवड़ गांव में पैदा हुआ था, और उस गांव में पैदा होकर कभी कल्पना नहीं करी थी कि एक छोटे से किसान के घर में पैदा होके और कोई पार्टी मुझे इतना सम्मान देगी। कोई पार्टी सम्मान दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, जिसने आज मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। और उसी किसान के घर में पैदा होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत में, आज यदि आपकी ताकत के बूते पर हुंकार भरता है हनुमान बेनीवाल, तो मोदी जी की मंशा के कारण, मोदी जी की नियत के कारण और उनकी उस गठबंधन के युग धर्म को सही तरीके से निभाने के कारण। और इसलिए वो सोचते हैं कि नागौर की भलाई कैसे हो, वो सोचते हैं कि राजस्थान की भलाई कैसे हो। इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, एक सीट से कुछ बनेगा और बिगड़ेगा नहीं, ये तो राजनीति के लोग कहते हैं, ये अखबार के लोग कहते हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि मंडावा और खीमसर की दोनों सीटें ये कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत का भविष्य तय करेंगे, इस बात में कतई संशय नहीं है, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं आज आप लोगों को, क्योंकि हम लोकसभा की सभा में भी आए थे और जिस तरीके से मजबूती के साथ आपने भाई हनुमान जी को और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सम्मान आप लोगों ने किया, मैं भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं इस नागौर के, राजस्थान और हिंदुस्तान के तमाम किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में ये संदेश दे दें तो मुझे लगता है कि ये सरकार, लोग पूछते हैं कब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, लेकिन 24 अक्टूबर को ये सरकार नहीं गिर जाए तो आप कह दीजिएगा कि आप लोगों ने झूठ बोला था। इस भरोसे विश्वास के साथ राजस्थान में एक मजबूती के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्सीडेंट से आई थी, केवल 1.5 लाख वोट ज्यादा थे, 0.5% वोट ज्यादा थे, इनको अभिमान है और इसलिए किसानों पर लाठियां चलाते हैं। अभी झालावाड़ की कल की घटना, एक मूंग की खेती खराब हुई किसान की, विजय सिंह गुर्जर की, उसने जब अपनी हालत देखी तो उसने गुहार की प्रशासन से कि मुझे मुआवजा चाहिए, चक्कर काटे उसने। आखिरकार उस किसान ने उसी फसल के सामने, बर्बाद हुई फसल के सामने खेत में दम तोड़ दिया, लेकिन इस सरकार के कान पे जरूर भी नहीं रहेंगी। इसलिए किसान सरदारों, ये चुनाव वास्तव में राजस्थान के नवनिर्माण का चुनाव, ये चुनाव राजस्थान के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव, ये मोदी जी के हाथ को और ज्यादा मजबूत करने वाला चुनाव, ये आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मजबूती देने वाला चुनाव, ये भाई हनुमान को लोकसभा में और बुलंद आवाज के साथ खड़ा करने वाला चुनाव, ये मंच पर बैठे सभी 36 कौम बिरादरी के सब लोगों की मजबूती का चुनाव, उनके सम्मान का चुनाव, उनके मान को छुड़ाओ। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।